प्रिय सज्जनों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। हम बात करेंगे ज्योतिष के महत्वपूर्ण पहलुओं पर और आज खासकर हमारी चर्चा रहेगी शुक्रदेव की राशि परिवर्तन को लेकर। आज जो है शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी 16 मार्च को जब राशि परिवर्तन करेंगे तो राशि परिवर्तन का जो समय काल रहेगा वो अगले महीने 10 अप्रैल तक का जो है इनका जो समय रहेगा निवास करने का वो मीन राशि पर रहेगा। तो इसी संचरण काल में क्या क्या 12 स्तुतियों को यहाँ पर लाभ मिलेगा, क्या क्या शुभाशुभ फल रहेंगे, मैं इसी पर आपके साथ डिटेल से चर्चा करूंगा। क्योंकि ये गोचर काल बेहद खास होने वाला है, खासकर मैं बृहस्पति के गोचर की बात करूं या फिर शुक्रदेव, क्योंकि ये अपने आप में ऐसे ग्रह माने जाते हैं जिनका शुभाशुभ, वैसे तो नवग्रहों का ही जो फल है वो संपूर्ण प्रकृति और प्रवृत्ति पर जो है पड़ता नजर आता है, लेकिन आज मैं खासकर बेहद खास जो आपके लिए गोचर रहने वाला यानी शुक्र का गोचर, मैं इसी पर बात करूंगा। मेष से मीन राशि पर्यंत मैं बात करूंगा। और हाँ, खासकर जिन लोगों के विवाह में जो है विलंब हो रहा था कहीं ना कहीं, या कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप में रह रहे थे और मैरिज के जो है पक्ष में कहीं ना कहीं थे और उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी, या फिर कुछ प्रेम संबंधों के चलते हुए वो लोग कहीं ना कहीं कहीं दुराव और छुपाव के रहते रहते अभी तक विवाह तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उन सब के लिए ये गोचर काल खास बेहद रहने वाला है। ऐसे भी देखा जाए तो व्यापार बिजनेस के लिए ये गोचर काफी अहम साबित हो सकता है। मैं बात करूंगा 12 राशियों के क्रम से लेकर सूर्य से लेकर के मीन राशि सॉरी मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत, और आपको क्रमशः बताने का प्रयास करूंगा कि कौन सी राशियों को ये गोचर काल कैसे फल देगा। दर्शकों, आप बने रहें ऐसे ही तमाम जानकारियों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले समय में आपको डेली एक वीडियो मिले। हर दिन हमारे चैनल पर 10 बजे वीडियो अपलोड होती है जो आपके खास काम की हो सकती है। खैर, मैं आपको साथ साथ उपाय भी बताता रहूंगा जो आपके लिए कुछ खास इन दशाओं में जो है आपके लिए अनुकूल हो सकता है। मैं यहाँ पर राशिफल को प्रारंभ करूंगा, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं जो ये राशिफल बता रहा हूँ ये आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ, यानी आपकी चंद्रमा के हिसाब से जो राशि बनती है। वैसे राशि जो हम लोग तैयार करते हैं ज्योतिष के अनुसार वो हम चंद्रमा को देख कर ही करते हैं कि चंद्रमा आपकी चंद्रमा स्पष्ट कौन सी राशि पर है। यदि आपको अपनी जन्मकालिक राशि पता नहीं है तो आप अपने बोलते हुए नाम के हिसाब से भी इस राशिफल को देख सकते हैं। साथ ही अगर ये राशिफल हम बात करें कि ये राशिफल हम पर कितना घटित होगा, कितने परसेंट हम पर घटित होगा, तो इसके लिए आपकी जन्म कुंडली पर भी विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो जाता है। खैर, अब हम बात करेंगे फिलहाल में कर्क राशि की जातकों की। कर्क राशि के लिए क्या ये बेहद रहने वाला है? कर्क राशि के लिए मीन पर संचरण करेंगे बृहस्पति देव, यानी यह ग्रह गोचर काल आपके लिए क्या कुछ खास लेकर के आएगा। अगर हम बात करें कर्क राशि या कर्क लग्न के हिसाब से तो अभी नवम भाव में आपके शुक्र संचरण करेंगे। कहां करेंगे? नाइन्थ हाउस में, और नाइन्थ हाउस हमारे यहां भाग्य का कहलाया जाता है, धर्म का भाव कहलाया जाता है, धर्म में आपकी रुचि बढ़ना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। और जब धर्म से व्यक्ति जुड़ करके चलेगा तो निश्चित रूप से यश तो मिलेगा ही, प्रतिष्ठा तो मिलेगी, सम्मान तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसमें अपार वृद्धि होने के यहां पर संकेत रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम बात अगर करें धनागम की तो धर्म से जुड़ेंगे तो धन के स्रोत भी आपके अच्छे बनेंगे, और धर्म के साथ धन भी आएगा तो वो धन आपके लिए शांतिकारक और पुष्टिकारक रहेगा। दो चीजें होती है, एक धन आता है अशांति बन जाती है, एक भोजन हम करते हैं हमें तृप्ति तो मिलती है लेकिन उसके साथ साथ में हमारी जो क्षुधा है पुनः तीव्र हो जाती है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए भी वो हमारे लिए दुष्परिणाम लेकर के आती है। लेकिन एक भोजन जो क्षुधा की निवृत्ति भी करती है और हमें फिर उसमें शांति और आनंद का आभास भी कराती है। तो इसी प्रकार से धनागम के भी स्रोत यहां पर धर्म से जुड़ करके बनेंगे, ये आपके लिए बेहद खास रहेगा। अगर बात करें नवम में उच्च का शुक्र का संचरण
तो ये आपके लिए इसकी सप्तम दृष्टि अगर देखे जाए तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी तृतीय घर में इसका संचरण यहाँ पर नवम के भाव से यहाँ पर जो है इनकी दृष्टि रही। ऐसी स्थिति में आपको क्या देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं भाई बहनों से आपका संबंध थोड़ा मधुर होगा और कुछ यदि उनसे आप लाभ लेना चाह रहे हैं, उनसे कुछ मदद आप लेना चाह रहे हैं तो इस ग्रह गोचर काल में वो बिल्कुल आपके अनुकूल होंगे। एक चीज यहां पर ये भी है कि जो लोग कहीं ना कहीं आपके जो कार्य पिछले लंबे समय से कुछ लंबित पड़े हुए थे तो आपको ऐसे ग्रह गोचर काल में जबकि भाग्य आपका साथ दे रहा हो, शुक्र यहाँ पर अच्छे अधिपति बनकर के बैठे हों, उच्च राशि को होकर के बैठे हों, तब आपको इसके लिए प्रयास करना चाहिए तो सफलताएं आपके कदमों में निश्चित रूप से आएंगी। इसके बाद हम बात करें कि शुक्र का अधिपति, जैसे मैंने पहले भी कहा कि शुक्र किन किन स्थानों में अपनी पकड़ बना के रखा है, अगर इनकी पकड़ की बात करें तो ये शिक्षा और स्वास्थ्य के आधार पर हम इसको देखें तो दोनों में अपनी पकड़ यहाँ पर बनाए हुए हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें विद्यार्थियों के लिए तो विद्यार्थियों के लिए भी ये अहम साबित हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं पंचम के साथ चतुर्थ के साथ में अष्टम दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, 4-8 की दृष्टि, लेकिन इसी के साथ पंचम यहाँ पर इनका अपना भी हो जाता है तो इसके आधार पर भी यहाँ पर इनका योग मिला जुला देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ 7, 8, 9, 10 और 11 और 12 सप्तम के साथ कोई खास युति या कोई दृष्टि या किसी प्रकार का कोई यहाँ पर संबंध बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है तो उनके लिए कोई बेहद यहाँ पर गुड न्यूज नहीं है इस दृष्टिकोण से, लेकिन यहाँ पर आर्थिक उन्नति और धर्म उन्नति के आधार पर देखा जाए तो आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा, आपको आगे बढ़ने के चांसेस यहाँ पर मिलते रहेंगे। अगर बात करें कोई नया स्टार्टअप की कि जिसमें आप कोई नया कार्य आप प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो आपके लिए क्योंकि नवम में बैठे हुए आपको निश्चित रूप से यहाँ पर भाग्य आपका साथ देगा। कुछ लोग ऐसे भी आपने देखा होगा कि काफी समय से प्रयास कर रहे थे लेकिन सफलताएं नहीं मिल पा रही थी तो कहीं ना कहीं जो बाधाएं उसमें आ रही थी उस स्थिति के आधार पर तो ये ग्रह गोचर के आधार पर हम देखेंगे तो शुक्र आपको निश्चित रूप से आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरणा भी देंगे, आपको ऊर्जा भी देंगे और आपकी पूर्ण रूप से मदद भी करेंगे। इसलिए आपके लिए बेहद खास बेहद अच्छा ये समय हो सकता है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। कुछ उपाय मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, उपाय की श्रृंखला में आपको क्या करना चाहिए, आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अगर आप विशेष किसी कामना के आधार पर आप किसी अपने काम को यहाँ पर सिद्ध करना चाहते हैं तो आप नवचंडी का पाठ कर सकते हैं या करवा सकते हैं। इसके लिए यदि आप अच्छे से चंडी पाठ कर ले तो आप नौ पाठ तो कोई बड़ा नहीं होता है, ज्यादा नहीं हो सकता, आप आराम से कर सकते हैं इसलिए 9 दिन में। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो किसी ब्राह्मण से भी आप योग्य आचार्य से आप 9 दिन का नवचंडी अनुष्ठान आप संपन्न करा सकते हैं। तो दर्शकों ये थी बेहद खास जानकारी कर्क राशि के लिए, आप सभी बने रहें और देखते रहें अध्यात्म ज्योतिष। आप सभी का धन्यवाद।